नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नम्रता द्विवेदी। मेरे किचन में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज आप यहाँ पर करेले की सब्जी बनाना सीखेंगे। बहुत से लोग करेले की सब्जी नहीं खाते हैं क्योंकि कड़वापन होता है। आज हम आपको करेले की ऐसी सब्जी बनाना बताएंगे कि आप मार्केट से बार बार लाकर करेले की सब्जी बनाएंगे। करेले की सब्जी बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए हैं वो लाइक करेंगे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आइए तो आज हम आपको करेले की सब्जी बनाना बताते हैं। करेले की सब्जी आप कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे आधा किलो करेला मैंने अच्छे से धुल के ले लिया है। इसे छील लेंगे, ऊपर का छिलका इसे छिलने से छील के उतार देंगे। उसके बाद चाकू से कट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे करेले में डालने के लिए मैंने 5 से 6 प्याज बड़े साइज़ में ले लिया है। इसे भी छील के अच्छे से धुल के उसके बाद कट करेंगे। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल 1.5 करछी ले लिया है क्योंकि करेले की सब्ज़ी में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, इस वजह से मैंने 1.5 करछी सरसों का तेल ले लिया है। अब हम सबसे पहले करेले को छील लेंगे, ऊपर का छिलका इसका उतार देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे करेले को मैंने अच्छे से छील के धुल के ले लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे छिलका मैंने इस तरीके से उतार दिया है। प्याज को भी मैंने छील के धुल के अच्छे से ले लिया है। अब प्याज को भी कट करेंगे और करेले को भी। आप यहाँ पे देखेंगे करेले को मैंने पहले बीच से कट कर दिया है, उसके बाद गोल गोल कट कर लेंगे, पतला पतला कट करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कट करेंगे। इस तरीके से आप छील के ले लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से मैंने करेले को कट कर लिया, प्याज भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा भून लेंगे। प्याज को मैंने 2 मिनट इस तरीके से हल्का सा रोस्ट कर लिया। अब इसमें करेला डाल देंगे। करेले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करेले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पहले ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब आप इसे देखेंगे हल्का सा पानी करेले में छोड़ दिया है, इसीलिए पहले से नमक डाल देते हैं तो करेला जल्दी पकता है। हर 5 मिनट में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि करेला हमारा तले में ना पकड़े और अच्छे से पक जाए। करेला पकने में थोड़ा समय लगता है, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। बीच बीच में आप चलाते रहेंगे तो बहुत अच्छे से करेला आपका पक जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे करेला हमारा हल्का पक गया है। अब हम इसे ढक के नहीं पकाएंगे, गैस को कम करके बीच बीच में इसी तरीके से चलाते रहेंगे। अच्छे से करेला हमारा पक जाएगा। ध्यान रखेंगे गैस को तेज़ करके नहीं पकाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे करेला हमारा पक गया है अच्छे से। अब हम इसे बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे हर 2 मिनट पे ताकि ये हल्का सौंधा हो जाए। उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कलर एकदम चेंज हो गया है, हल्का गोल्डन हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे करेले की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से अगर आप करेले की सब्जी बनाते हैं तो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहता है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है।
आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के भी साथ खाते हैं तो तीखा नहीं लगता बिल्कुल भी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।